हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक ड्रॉ करके दिखाया था, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आईज, नोज और लिप्स मैंने ड्रॉ किए थे। तो इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप किस तरह से मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, हेयर और फेस पे जो शेडिंग वगैरह करनी है। सो अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने आईज, नोज और लिप्स को आपको स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करके दिखाया था किस तरह से ये रियलिस्टिक आप ड्रॉ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड की पेंसिल्स का यूज़ करके। तो फिलहाल मैं 3H पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ। पेंसिल बिल्कुल अच्छे से शार्प है और बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ शेडिंग कर रहा हूँ। सो अभी इसी पेंसिल का यूज़ करके लाइटली मैं कंप्लीट फेस को शेड कर लेता हूँ। सो ये वाला पार्ट काफ़ी डार्क है, नीचे की साइड देख सकते हैं आप रेफरेंस फोटोग्राफ में। तो यहाँ पे मैं 2B का यूज़ कर रहा हूँ, मैकेनिकल पेंसिल का। तो डार्क पार्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ फेस पे जो भी स्मूथ शेडिंग होती है वहाँ पे लाइट पेंसिल का ही यूज़ करो। इस वाले पार्ट में भी थोड़ा और डार्क है, जैसे कि आप रेफरेंस फोटोग्राफ में देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं 2B का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, पहले मैंने 5H का यूज़ किया था और उसके बाद अब मैं 2B का यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह से लेयर बाय लेयर शेडिंग करो और एकदम से ब्लेंडिंग मत करो, पहले आप शेडिंग पे फोकस करो। हल्का सा ब्लेंड करने के लिए मैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। ब्रश से एकदम स्मूथ टेक्सचर नहीं होता, तो इसीलिए मैं टिशू का यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, पहले ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद टिशू का यूज़ कर सकते हैं, या फिर ब्लेंडिंग स्टंप का भी यूज़ कर सकते हैं। बस ब्लेंडिंग स्टंप आपका क्लीन होना चाहिए अच्छे से। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 2H पेंसिल, जो कि 3H से थोड़ी ज़्यादा डार्क है। अब मैं फिर से 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आपको अपनी रेफरेंस फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग यूज़ करनी पड़ेगी पेंसिल, कोई ऐसी पर्टिकुलर पेंसिल नहीं है जो आपको फेस में यूज़ करनी है, वो आपको देखना पड़ेगा कितना डार्क है, कितनी लेयरिंग आपको करनी पड़ेगी। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ईयर, तो ईयर में भी सेम मेथड यूज़ करेंगे, लाइट टू डार्क। तो ही मैं यूज़ कर रहा हूँ 2B। तो ईयर आप देख सकते हैं काफ़ी डार्क ही हैं, तो मैं 2B से स्टार्ट कर रहा हूँ।
ईयर के डार्क पार्ट के लिए जो भी डेप्थ वाला पार्ट है वहाँ पे मैं 4B का यूज़ कर रहा हूँ। तो अब इसको ब्लेंड कर देते हैं, ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो आप पेपर स्टम का भी यूज़ कर सकते हैं। हाइलाइट्स करने के लिए इरेजर का यूज़ कर सकते हैं, टोम्बू मोनो या फिर नीड इरेजर, और डार्क पार्ट को फिर उसके ऊपर से और ऑप्ट करने पड़ेंगे। तो ये आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कितना डार्क है कितना लाइट है, उसके अकॉर्डिंग आपको बारी बारी डार्क पेंसिल्स का यूज़ करना पड़ेगा, लेयरिंग करनी पड़ेगी। सो ईयर तो ड्रॉ हो चुके हैं, अब यहाँ पे मैं शेडिंग कर रहा हूँ, 3H पेंसिल से स्टार्ट कर रहा हूँ। 3H काफ़ी लाइट होती है तो इसी से मैं शेडिंग करके फिर इसको ब्लेंड कर दूंगा टिश्यू का यूज़ करके। और रेफरेंस फोटोग्राफ में जैसे कि आप देख सकते हैं राइट साइड से ज़्यादा लाइट आ रही है तो वहाँ पे हम लाइट छोड़ेंगे और बैकग्राउंड को शेड करेंगे, तो इससे काफ़ी रियलिस्टिक और 3D लगता है अगर आप लाइट आ रही है उसको लाइट छोड़ो और बैकग्राउंड को शेड करो। तो अब शेड करते हैं हेयर को, तो हेयर में मैंने इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं आपको हल्की हल्की लाइन सी दिख रही होंगी, पेपर में अलग सा टेक्सचर दिख रहा होगा, तो उसमें मैंने इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ किया था जो कि मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है इंडेंटिंग टेक्निक होती क्या है हेयर में यूज़ कर सकते हैं तो देख लेना, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बस फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करके हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाने हैं, जहाँ पे जिस तरह से हेयर जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, 4B 6B डार्क पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। हेयर में ब्लेंड करने के लिए मैं ब्रश का यूज़ करता हूँ क्योंकि हाइलाइट्स भी करने होते हैं, तो ब्रश का यूज़ करना काफ़ी बढ़िया रहता है हेयर में। इस साइड काफ़ी लाइट आ रही है हेयर में, बिल्कुल वाइट है, तो मैं हल्की फुल्की शेडिंग कर रहा हूँ इस तरह से, फिर बैकग्राउंड शेड कर देंगे और इंडेंटिंग करता हूँ थोड़ी सी ऐसे जो कि हेयर निकले हुए हैं बाहर की तरफ। तो फोटोग्राफ आप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ 4B की लीड और कंप्लीट बैकग्राउंड को शेड करते हैं। Thank you.
इसको ब्लेंड करने के लिए हम टिश्यू का यूज कर सकते हैं क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। लेफ्ट साइड में भी सेम ही करना है, 4B की लीड का यूज कर रहा हूँ मैं और बैकग्राउंड को शेड कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अगर आपको डार्क चाहिए तो आप और डार्क पेंसिल का यूज कर सकते हैं, लाइट चाहिए तो आप लाइट पेंसिल का यूज कर सकते हैं। मैं तो फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, थोड़ा डार्क है तो मैं 4B का यूज कर रहा हूँ। तो मैं थोड़े हाइलाइट्स कर रहा हूँ हेयर में, जो भी वाइट वाइट हेयर से हैं यहाँ पे लाइट पड़ रही है तो उसको ऑप्ट कर लेते हैं। थोड़ा डार्क करने के लिए मैं चारकोल का भी यूज़ कर रहा हूँ, 6B सॉफ्ट, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं अगर लाइट आपकी शेडिंग है, लाइट के ऊपर से आप कर सकते हैं। अदरवाइज बिल्कुल डार्क हेयर है तो यूज़ मत करना ग्रेफाइट और चारकोल दोनों को। तो अब मैं हाइलाइट्स कर रहा हूँ इसके ऊपर से। सो गाइस हेयर तो ड्रॉ हो चुके हैं, तो अब मैं ड्रॉ करता हूँ नीचे का जो बैकग्राउंड बाकी है और जो क्लोथ्स वगैरह हैं। क्लोथ्स तो सिंपली ड्रॉ करने हैं और क्लोथ्स के लिए मैंने ज़्यादा ग्रिड्स का यूज़ किया है, फेस के लिए इतना नहीं किया, बट क्लोथ्स के लिए मैं ज़्यादा यूज़ किया क्योंकि इसमें जो डिटेलिंग थी, जो टेक्स्चर था वो काफ़ी ज़्यादा था। सो अभी तो मैं यहाँ पे 2B का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ का बैकग्राउंड थोड़ा लाइट है जैसे कि आप रेफरेंस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं 2B से ही शेडिंग कर रहा हूँ।
डार्क एरियाज को ऑप्ट करने के लिए यहाँ पे मैं देखो 10B का भी यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे डार्क हेयर है तो यहाँ पे मैं 4B का यूज़ कर रहा हूँ। टीयर्स के लिए बस आपने इरेज करना है, इरेजर का यूज़ कर सकते हैं आप किसी भी, और उसके चारों तरफ हल्की शेडिंग कर सकते हैं और वो काफ़ी रियलिस्टिक लगेंगे, 3D लगेंगे। वाटर ड्रॉप किस तरह से ड्रॉ करना है इस पर मैंने एक पर्टिकुलर डिटेल वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखे तो देख लेना, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बस सिंपली इरेज करना है आपने। सो अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये क्लोथ का टेक्सचर, तो क्लोथ में काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ 2B की, और इससे मैं एक बार कंप्लीट इसको कर लेता हूँ डार्क, और उसके बाद मैं बीच में यूज़ कर लूँगा 10B 8B, बस सिंपली उसी मेथड का यूज़ करूँगा और प्रेशर का अप्लाई करके बिल्कुल डार्क कर दूँगा। बाय द वे मैंने आपको मेन पार्ट बता दिए हैं किस तरह से आप स्टेप बाई स्टेप ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपली मैं भी इसी तरह से ड्रॉ करता हूँ, आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। और अब मुझे बस ये क्लोथ का टेक्सचर ड्रॉ करना है, तो इसमें तो बस डार्क ही करना है जैसे कि आप देख सकते हैं रेफरेंस फोटोग्राफ में। तो डार्क पेंसिल का यूज़ करके इसको प्रेशर का अप्लाई करके मैं डार्क कर दूंगा। मैंने आपको वीडियो थोड़ी फास्ट करके बताई है, बट सारे पॉइंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है किस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको शेड किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये है फाइनल ड्रॉइंग। तो बताना कैसी लग रही है, और आप भी ड्रॉ कर सकते हैं, फोटोग्राफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ड्रॉ करके मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी ड्रॉइंग देखूंगा। सो गाइज फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी, अगर कुछ भी सीखा है तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट ड्राइंग में, तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।